इस पॉइंट पे अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे और कितना ऊपर जाना है। चल महंगे वाले टिकट वाले भैया ऊपर है घर पे काटे नहीं। फाइनली हम पहुंच गए ऊपर। यस अभी और जाना बाकी है 3 किलोमीटर हम और जाएंगे। यस फॉलो मी ऊपर जाके तो फोटो खींचेंगे। और ये फोटो सेशन एवरी 100 मीटर्स जो सबसे ज़्यादा टाइम खराब करता है। हाँ थोड़ा स्टीप क्लाइंब है आणि शॉर्टकट है। स्टीप क्लाइंब प्लस शॉर्टकट प्रबलगढ़ ट्रेक ऑसम फन लेट्स गो। प्रबलगढ़ यू ब्यूटी। Reaching this point, people realize अभी तो और ऊपर जा रहा है। असली मज़ा अभी बाकी है। चोर रास्ता ये बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू एंटर दिस पाथ एट दिस टाइम। विल सी नेक्स्ट टाइम। पर बाद में पता चला कि वो गुफा एक कमरे की तरफ ले जाती है जहाँ पर शिवाजी महाराज के मावड़े विश्राम करते थे। नहीं थांबायचं परत खाली यायचं अंधार होईल। Oh, the clouds.
दो मिनट रुक, चलो चल 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 अनि भाई चलो, ग्रेसर गुंडी है प्यार से, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, टिका लो वो पत्थर, देखो राइट में पकड़ो, हाँ वो बॉटल उठा लो अपनी, पानी का अपनी बॉटल है वो, पीने का पानी है अपना, गिर गया था जाते वक्त। मध्ये असं बघायला खूप कमी भेटतं की आपले किल्ले वरती प्लास्टिक साठून म्हणजे ठेवतात, म्हणजे इकडे तिकडे फेकू देत नाही। आणि आम्ही प्रबलगडवरती आहोत आणि हे दादा आहेत इकडे, ह्यांनी प्लास्टिक गोळा केलंय, खाली पण फुल रस्त्याला प्लास्टिक गोळा केला होता लोकांनी, खूप आनंद आला हे बघून। आणि आपला प्रबलगड खूप स्वच्छ, कंपॅरिझनमध्ये खूप स्वच्छ ठेवलंय प्लास्टिक कलेक्ट करून। लोक तर आपले तसे नाही आहेत, म्हणजे अपेक्षा कमी करू शकतो आपण, पण तरी लोकांनी इकडे थोडंसं म्हणजे हे भान ठेवलंय की प्लास्टिक आपण इकडे तिकडे पसरू नये।